मजमा के सामने बयान करता हूँ तो एक बात कहा करता हूँ,
पसंद करता हूँ, मैं उसी के दर पे जाता हूँ कि जो हर बिछड़े को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, मैं उसकी हमद करता हूँ, मैं उसी के दर पे जाता हूँ। मैं जब काशा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ, मैं जब काशा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? इसलिए कि इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शिराकत उसमें जो समझे है, मुशरिक ना गलत वो है, हकीकत में नहीं जिसका कोई हरगिज गलत ना है, मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर पे जाता हूँ, उसी के दर से जाता हूँ, मैं उसकी हमद करता हूँ, मैं उसके दर का मुद्दा हूँ। आइए हजरात, मैं इसी के पेशो पेश में आपको एक शेर में समझ में आ रहा है सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको बात करने में आसानी होगी। सब आदमी एक बार बोल दीजिए, सुभानअल्लाह। उनकी रहमतों को उनके मानने वाले, उनके पास
तो दोस्तों इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में हर दौर में किसी न किसी इंसान को ऐसे इस्लाम करने के लिए मुस्लिम बनाकर नबुव्वत का ताज देकर भेजते रहे, जिसमें जिसके लिए कुरान गवाह है। कुरान फरमाता है परिंद भी मोहब्बत करते थे। एक
अजीब वाकया है। एक शिकारी ने एक हिरनी को शिकार कर लिया और शिकार करके जब वो आ रहा था, हुजूर की मुलाकात उससे हुई। हिरनी आपको देखकर रोने लगी, शिकायत करने लगी, शिकवा करने लगी। हिरनी के शिकवा को सुनकर नबी ने पूछा कि माजरा क्या है। हिरनी ने बताया कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो जंगल में भूख प्यास से तड़प रहा है और मैं शिकार के लिए, चारा के लिए जंगल निकली थी कि इस शिकारी ने मेरा शिकार कर लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों सुनिएगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर भी मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी से जानवर भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने कहा कि तुम चाहती क्या हो? उसने कहा कि मैं चाहती ये हूं कि आप मुझे इजाजत दिलवा दे ताकि मैं जाऊं अपने बच्चे को दूध पिलाकर, उसे समझाकर, बुझाकर, बताकर कि देखो अब तुम मेरे जिम्मे नहीं, अब तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा रब तुम्हारी परवरिश करेगा। मुझे किसी की अमानत है, मैंने किसी ने शिकार कर लिया है और मैं रसूल के कहने पर तुझे दूध पिलाने आया हूं, अब तो अपना चारा खुद तलाश करना, ये समझा कर मैं आ जाऊं, ये इजाजत दे दो। किसी शायर ने क्या है क्या कि रहे मत का चल सबसे पहले कुछ मिला है तो सिर्फ हुक्म मिला है, पढ़ो ऐ नबी।
जब हिन्नी को इजाजत मिला तो हिन्नी अपने बच्चे को दिलासा देते हुए आई। आने के बाद वो ईसाई जब दिखता है तो कहता है, सच्ची बात है कि तू कोई झूठा हो नहीं सकता, तू कोई मक्कार हो नहीं सकता, तू कोई जादूगर हो नहीं सकता। जिसकी बात है हिन्नी जो ना समझ है, जो कोई नहीं जिसकी बात समझ सकता, उसकी बात बात खत्म करता हूं और